हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीजीएल का 3 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 3 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा का जो है एसआई मात्रक पूछा गया था। तो देखिए, विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है ना, वो आपका एम्पियर होता है, तो एम्पियर आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का मापने का जो है यंत्र कौन सा होता है। तो देखिए, विद्युत धारा को जो है ये आपका एमीटर नामक यंत्र से जो है वो मापा जाता है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी ज्योति तीव्रता का जो है एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये आपका कैंडेला होता है, और इसका सिंबल अगर एग्जाम में पूछा जाए तो इसका जो सिंबल है वो आपका सीडी होता है। इसके अलावा टेम्परेचर यानी तापमान का जो एसआई यूनिट है ना, ये आपका केल्विन होता है। इसके अलावा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा का जो एसआई यूनिट होता है वो आपका मोल होता है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयर, यानी कोशिका जो है ये कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, कोशिका जो है आपके दो प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार आपका करेक्ट आंसर होगा, और वो दो प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो एक तो आपका प्रोकैरियोटिक सेल होता है, जिसमें आपका केंद्रक यानी न्यूक्लियस होता है, और सेकंड जो होता है वो आपका यूकैरियोटिक सेल होता है, जिसमें जो है न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन इसमें जो है आपका एक न्यूक्लियाइड क्षेत्र जो है वो मौजूद रहता है। तो दो आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन कुछ बच्चों ने बताया कि प्रश्न ये पूछा गया था कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न, यानी कोशिका विभाजन में जो है ये कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए, कोशिका विभाजन की बात, तो इसमें भी जो आपके दो विभाजन होते हैं, तो इसमें भी जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका दो ही होगा। और दो विभाजन कौन कौन से होते हैं, तो एक तो आपका माइटोसिस यानी समसूत्री कोशिका विभाजन, और सेकंड जो होता है वो आपका मियोसिस होता है, जो कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बाल श्रम के अनुच्छेद के तहत कितने साल के बच्चों को जो है कारखाना में काम करने का जो है निषेध किया गया। निषेध कहने का मतलब कि प्रतिबंध किया गया है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में जो है काम करने की अनुमति जो है वो नहीं दी गई है, और ये जो है स्पष्ट रूप से भारतीय संविधान के जो है अनुच्छेद 24 और कारखाना अधिनियम 1948 के धारा 67 में जो है ये आपका प्रदान किया गया है, तो 14 वर्ष आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो है फॉर्मूला पूछा गया था। तो देखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो केमिकल फॉर्मूला होता है ना, वो आपका MgO होता है, तो MgO आपका करेक्ट आंसर। इसके अलावा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो है सूत्र पूछा जाता है, तो देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो सूत्र होता है ना, वो आपका Mg(OH)2 होता है, तो ये आपको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन का जो है रासायनिक सूत्र पूछा गया था। तो देखिए, लाइमस्टोन का जो केमिकल फार्मूला होता है ना, वो आपका CaCO3 होता है, तो CaCO3 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले लाइमस्टोन का केमिकल नेम क्या होता है, तो देखिए, इसका जो केमिकल नेम है ना, ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर लेते हैं अन्य केमिकल फार्मूला यानी रासायनिक सूत्र के बारे में, क्योंकि यहाँ से आपके हर शिफ्ट में जो है एक से दो प्रश्न जो है वो पूछा जा रहा है। जैसे कि साधारण नमक का जो फार्मूला होता है वो आपका NaCl होता है, बेकिंग सोडा की बात कर ले तो NaHCO3 इसका जो है फार्मूला होता है, धावन सोडा का फार्मूला अगर पूछा जाए तो Na2CO3.10H2O होता है। उसके अलावा कास्टिक सोडे की बात कर ले तो कास्टिक सोडा का जो फार्मूला होता है वो आपका NaOH होता है। फिटकरी का जो है फार्मूला पूछा जाता है, तो देखिए, फिटकरी का जो फार्मूला है ना, ये आपका K2SO4Al2SO4Hol3 24 H2O होता है। लाल दवा का अगर पूछा जाए तो KMNO4 इसका फॉर्मूला। इसके अलावा कास्टिक पोटास का जो है फार्मूला पूछा जाता है, तो KOH होता है।
चूने का पानी का अगर पूछा जाए तो CaOH2 होता है, जिप्सम का CaSO4 .2H2O होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो आपका CaSO4 ½H2O होता है, चौक का अगर पूछा जाए तो CaCO3 होता है, चूना पत्थर का जो आपका CaCO3 ये भी आपका होता है, संगमरमर का भी जो आपका यही होता है CaCO3। उसके बाद आप सभी देख सकते हैं लाफिंग गैस का भी जो आपका फार्मूला पूछा जाता है तो लाफिंग गैस का जो फार्मूला होता है वो आपका N2O। इसके अलावा आप ये सारे फार्मूले देख लीजिए जिसका PDF जो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपके हर शिफ्ट में जो एक प्रश्न जरूर पूछे जा रहे हैं, तो टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन जो है प्रसिद्ध संतूर वादक है, तो आपके ऑप्शन में जो है पंडित शिव कुमार शर्मा दिया गया था। तो देखिए ये जो आपके पंडित शिव कुमार शर्मा है ना, जिनका हाल ही में 10 मई 2022 को जो है निधन हो गया था, और ये जो आपके प्रसिद्ध संतूर वादक है तो पंडित शिव कुमार शर्मा आपका करेक्ट आंसर होगा। इनके पुरस्कार की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए पंडित शिव कुमार शर्मा को 1991 में जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, और 2001 ईस्वी में जो है इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा ये जो आपके भजन सुपारी है ना, ये भी आपके जो है प्रसिद्ध संतूर वादक हैं, तो इनका नाम भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि दिल्ली सल्तनत के वंश का जो है सही क्रम आपको बताना था। तो देखिए दिल्ली वंश के जो आपके 5 वंश थे, जो सबसे पहला वंश था वो आपका गुलाम वंश था। गुलाम वंश का जो कार्यकाल है ये 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक रहा था। उसके बाद जो आपका खिलजी वंश आया था जिसका कार्यकाल 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक रहा था। उसके बाद आपका तुगलक वंश का आया था, तो तुगलक वंश का जो कार्यकाल है ये 1320 से लेकर 1414 तक रहा था। उसके बाद आपका सैयद वंश आया था जिसका कार्यकाल 1451 तक रहा था। और लास्ट जो आपके सल्तनत दिल्ली सल्तनत के जो वंश रहे थे या आपके लोधी वंश रहा था जिसका कार्यकाल जो है 1526 तक रहा था। तो ये सही कालक्रम जो है दिल्ली सल्तनत का आपका सही होगा। तो इस क्रम से जिन्होंने भी लगाया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हु हैज बिकम द गवर्नर ऑफ मेघालय इन अक्टूबर 2022, यानी अक्टूबर 2022 में मेघालय के नए राज्यपाल ये जो है कौन बनाए गए। तो देखिए अक्टूबर 2022 में मेघालय के जो नए राज्यपाल है ना, ये BD मिश्रा को बनाया गया है। तो BD मिश्रा आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले मेघालय के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो ये आपके कोनराड कोंगकल संगमा है, और ये 12वें वर्तमान मुख्यमंत्री है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ B2C इन e-commerce, यानी e-commerce में जो है B2C का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए B2C का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका बिजनेस टू कंज्यूमर होता है, तो बिजनेस टू कंज्यूमर आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर E2Commerce में B2B का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो ये आपका जो है बिजनेस टू बिजनेस होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट इज द एवरेज थिकनेस ऑफ द लिथोस्फीयर, यानी स्थल मंडल की जो है औसत मोटाई पूछी गई। तो देखिए महाद्वीपीय स्थल मंडल का इसकी जो औसत मोटाई है ना, ये आपका लगभग 35 से 45 किलोमीटर तक होता है। तो 35 से 45 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले स्थल मंडल ये जो है किसे कहा जाता है, तो देखिए भूपर पट्टी और मेंटल के ऊपरी भाग मिलाकर जो आपके बनते हैं ना, उसे जो है स्थल मंडल कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि बोरेक्स का जो है फॉर्मूला पूछा गया था। तो देखिए बोरेक्स का जो रासायनिक सूत्र होता है ना, वो आपका Na2B4O5OH4 होता है .8H2O होता है, या फिर ऑप्शन में आपका ये दिया हो गया कि Na2B4O7.10H2O। तो ये जो आपका बोरेक्स का जो है रासायनिक सूत्र दिया रहता है, तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर। और देखिए सुहागा का भी जो आपका यही फॉर्मूला होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले बोरेक्स का जो है रासायनिक नाम क्या होता है, तो ये आपका सोडियम टेट्रा बोरेट डेकाहाइड्रेट होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन रहे थे। तो देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी टीम के जो कप्तान है ना, ये मनप्रीत सिंह रहे थे। तो मनप्रीत सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर महिला टीम की कप्तान की बात कर ले, तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में महिला टीम की जो कप्तान है ये रानी रामपाल रही थी। तो रानी रामपाल आप ये भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं ये भी आपको बता दूं कि
टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी टीम ने जो है ये कांस्य पदक जीता था और किस टीम को हराकर कांस्य पदक जीता था, तो ये जर्मनी को 5-4 से हराकर भारत टीम ने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच अवार्ड डिड राजाश्री सिरके गेट इन 2013, यानी राजश्री सिरके को 2013 में जो है कौन सा पुरस्कार मिला था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि राजश्री सिरके को 2013 में जो है ये संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कथक के क्षेत्र में जो है वो दिया गया था, कथक नृत्य के लिए दिया गया था। तो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि गंगूबाई हंगल ये जो है किस घराने से संबंधित थी। तो देखिए ये जो आपके गंगूबाई हंगल थी ना, ये प्रसिद्ध ख्याल गायिका थी और ये जो आपका किराना घराने से संबंधित थी, तो किराना घराना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि तमिल नव वर्ष को किस नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए तमिल नव वर्ष को जो है ये पुथंडू या वरुसा पिरुप्पी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन में आपका पुथंडू दिया गया था, तो पुथंडू आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका पुथंडू है ना, ये तमिलनाडु राज्य का जो है एक त्यौहार है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जो है हाल ही किस राज्य में महिलाओं के लिए वर्ष 2022 में जो है महिला अधिकारिता अभियान और मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना का जो है उद्घाटन किया था। तो देखिए हाल ही में आपके केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जो है त्रिपुरा राज्य की महिलाओं के लिए 2022 में जो है यह आपका महिला अधिकारिता अभियान और मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना की जो है उद्घाटन किए हैं, तो त्रिपुरा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला जो अधिवेशन है ना, ये कहाँ पर हुआ था। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए इसकी जो स्थापना है ना, ये 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को जो है ये आपका बंबई, जिसका वर्तमान में नाम मुंबई है, इसके जो है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में किया गया था। और इसके जो संस्थापक यानी महासचिव यानी जो जनरल सेक्रेटरी रहे थे ना, वो आपके ए ओ ह्यूम रहे थे, जिन्होंने कलकत्ते के व्योमेश चंद्र बनर्जी को जो है अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया था। और बात कर ले इसका जो पहला अधिवेशन है ये कहां पर हुआ था, तो ये आपका बंबई में हुआ था, तो बंबई आपका यहां पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां पर आता है कि जम्मू कश्मीर सरकार ने ओयो ने जो है कौन सी पहल जो है वो शुरू की। तो देखिए जम्मू कश्मीर के सरकार के द्वारा ओयो ने जो है क्राउन ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया होम स्टे ये जो है पहल जो है वो शुरू की है, तो क्राउन ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसके तहत मैं आपको बता दूं कि ओयो को बढ़ावा देने और स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 75 गाँव में जो है होम स्टे खोलने के लिए केंद्र के मिशन यूथ कार्यक्रम के साथ भी जो है ये साझेदारी करेगा, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से किस मंदिर का जो निर्माण है ना, ये चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। तो देखिए ये जो आपका कंदरिया महादेव मंदिर है ना, इसका जो निर्माण है ना, ये चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था, तो कंदरिया महादेव मंदिर आपका करेक्ट आंसर। इसके अलावा खजुराहो में नागर शैली के जो मंदिर है ना, वो भी आपके चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। लक्ष्मण मंदिर भी जो है ये आपका चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। पार्श्वनाथ मंदिर भी जो है ये आपका चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। विश्वनाथ टेम्पल भी जो है ये चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वर्ष 2013 में किसे जो है संगीत के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। तो देखिए वर्ष 2013 में दो लोगों को जो है संगीत के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, तो ये आपके पूर्णादास बॉल और हिल्दामित लिप्चा को दिया गया था, तो इन्हीं दोनों में से कोई आपके ऑप्शन में दिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वर्ष 2021 में किसे जो है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से जो है ये सम्मानित किया गया है। तो देखिए वर्ष 2021 की बात कर ले तो ये हिमांशु वाजपेयी को जो है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो हिमांशु वाजपेयी आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले हिमांशु वाजपेयी को किस कहानी संग्रह के लिए जो है साहित्य युवा पुरस्कार दिया गया है 2021 का, तो ये आपका किस्सा लखनऊआ के लिए जो है ये दिया गया है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक इंग्लिश से आया था आइडम से कि स्पीक एंड स्पैन का जो है आपका आइडम जो है वो पूछा गया था।
अब कुछ क्वेश्चन जो है मुझे अस्पष्ट रूप से बच्चों के द्वारा मिले हैं, आप कमेंट करके बताइएगा कि इसमें जो है क्या प्रश्न पूछा गया था। जैसे कि राष्ट्रपति को चुनने की प्रक्रिया से संबंधित आपका गलत कथन बताना था, तो इसमें ऑप्शन में गलत कथन कौन सा दिया गया था, आप जो है कमेंट करके बताइएगा। मैं जब ऑल शिफ्ट का वीडियो प्रोवाइड करूँगा ना, तो ये क्वेश्चन को इंक्लूड कर दूँगा। इसके अलावा आपका कालिदास सम्मान से जो है प्रश्न पूछा गया था, एग्जैक्टली क्या प्रश्न पूछा गया था ये जो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा हरिशेन से संबंधित जो आपके प्रश्न पूछे गए थे, तो ये तीन क्वेश्चन जो है मुझे अस्पष्ट रूप से जो है मिला था, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं, जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह किसी भी एग्ज़ाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू ऑल द